हाय गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल पूजा अमित ब्लॉग में। तो कहो कैसे हो आप सब। मैं बढ़िया हूँ, आप लोग भी बढ़िया रहो। तो पहले तो आप लोग का बहुत 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 धन्यवाद। मेरे यूट्यूब चैनल पर 100 के सब्सक्राइबर पूरे हो गए हैं, जो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मैंने अभी अभी चैनल बनाना, अपना वीडियो बनाना स्टार्ट किया। तो 100 तो बहुत ज़्यादा है मेरे लिए। तो प्लीज़ आप लोग ऐसे ही मुझे भी सपोर्ट करें। और आज मैं ये जो साड़ी दिखाने जा रही हूँ, ये सारे साड़ी हैं जो मुझे मम्मी के वहाँ मिले थे। मुझे मम्मी के वहाँ से 7 साड़ी मिली है। तो मेरी एक फ्रेंड थी जो मैंने उस पर क्या बोलते हैं, हाँ, छठ पूजा पे मैंने जो साड़ी पहनी थी सुबह और शाम वाली, तो मेरी फ्रेंड ने फोन किया था, तो बोला कि ये साड़ी तुम्हारी बहुत अच्छी है, कहाँ से लिया। तो मैंने बोला हाँ, वीडियो डालूंगी मैं अपनी साड़ी पे। और मैंने अपने लोकल मार्केट से, मतलब मैंने नहीं लिया है, मेरी सिस्टर लोग ने ली है, जो मेरे यहाँ मार्केट लगता है वहीं से, बाजार मतलब बाजार नहीं मार्केट है, तो वहीं से लिया है। तो दिखाना तो बनता है ना कि मम्मी के वहां से क्या क्या मिला है। मुझे मिला तो मुझे बहुत सारे सामान है, जैसे ये तो मैं बस साड़ी दिखा रही। और हाँ, मुझे किचन के भी बहुत सारे सामान मिले हैं, जो मैं सारे अपने किचन में जमा चुकी हूँ, वो मैं नहीं दिखा सकती हूँ। और ये जो सूट है, ये भी मुझे मम्मी के, ये मेरी छोटी सिस्टर का है, तो मुझे आ गया आराम से, तो मुझे मिल गया, मैं लेकर आ गई। और एक सूट और भी मुझे मिला है, जो अभी रखा हुआ है, वो भी मैंने बैग में रखा हुआ, मुझे मेरी बड़ी वाली दीदी ने दिया है। और हाँ, आरब के डैडी के लिए भी कपड़े मिले हैं, आरब के लिए भी कपड़े मिले हैं, सबके सबके लिए कुछ ना कुछ जरूर मिले हैं। तो मैं अपना दिखाती हूँ, बस मेरी जो साड़ी है वही दिखाऊंगी। तो मेरी फर्स्ट साड़ी ये है, इसमें तो पेटीकोट अलग से है, मतलब दूसरा है। मेरी फर्स्ट साड़ी ये है जो मैंने छठ पूजा में सुबह के टाइम में पहना था। मैं हर साल सुबह का टाइम में, छठ पूजा में, मैं पीला ही कपड़ा पहनती हूँ शुरू से पहन ली। तो इस बार भी मैंने पीला ही, पिछले साल भी मैंने पीला ही पहना था, तो इसलिए मैंने पीला ही पहना सुबह के टाइम में। तो मैं आप लोग को दिखाती हूँ साड़ी कैसी है। और हाँ, साड़ी का मैं प्राइस नहीं बता रही हूँ, क्योंकि साड़ी सब सही है और हाँ, सस्ते रेंज के हैं, लेकिन प्राइस नहीं बताऊंगी, इसके लिए सॉरी। यह है इसका ब्लाउज, ये इसका ब्लाउज जो मैंने अपने हाथ से ही बनाया है। मुझे रखने उखने नहीं आता। और यह है मेरी साड़ी, और बहुत हल्की और बहुत सुंदर है ये साड़ी, बहुत अच्छा लगता है ये साड़ी पहनने में। मैंने ये साड़ी पहना तो सबने मुझे बोला कि साड़ी अच्छी लग रही है तेरे ऊपर। एक साड़ी ये है, ये नीचे का है, और ये ऊपर का। साड़ी बिल्कुल प्लेन है, लेकिन हाँ है बहुत सुंदर। अच्छी लग रही ना दुल्हनिया। चलो, तो ये तो हो गया मेरी फर्स्ट साड़ी, अब मैं दिखाती हूँ अपनी सेकेंड। सेकेंड मुझे मिला है जो कि है ब्लैक कलर में, और ये तो मेरी ब्लैक कलर तो मेरा फेवरेट है। और इसका ब्लाउज भी सेम गोल्ड है, गोल्डन कलर का, तो ब्लाउज मैंने स्टिच नहीं करवाया, नहीं तो किए। और ये साड़ी जो ब्लैक कलर की, वाओ अच्छी लग रही साड़ी। ब्लैक कलर मुझे बहुत 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 ज्यादा पसंद है। ये तो मैं खोल के नहीं दिखा रही, ऐसे देख लो, सेम साड़ी ऐसी ही है। और हाँ, ये सब साड़ी ना ऑनलाइन भी मिल रहा है, मीशो पे आप जाइए सर्च मारिए, सारी साड़ी आपको मीशो पे आराम से मिल जाएगा। और हाँ, सस्ते रेंज में मिलेगा, डेली वेयर के लिए बहुत अच्छा, बेस्ट भी। डेली वेयर के नाम इसे कहीं पहन के आ जा भी सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हाँ डेली वेयर के लिए तो सिर्फ घर में ही पहन सकते हैं, नहीं कहीं भी पहन के जा सकते हैं। साड़ी बहुत अच्छी लगती है पहनने में। ये सेकेंड, और साड़ी मेरी ये, इसका भी ब्लाउज गोल्डन है, मतलब ये कपड़ा सारा एक ही है, तो ब्लाउज भी एक ही है, बस मैंने कलर चेंज किया। कलर में कुछ कुछ मतलब डिजाइन भी अलग है, तो मैंने ये, मैंने जब वीडियो बनाती ना रील्स बनाने के लिए, कल मैंने इस साड़ी पे एक रील्स भी बनाई है। अगर जो आप लोगों ने मुझे अगर आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पर नहीं फॉलो किया है, तो मेरा इंस्टाग्राम की आईडी है पूजा प्रसाद, आप वहां पर जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। और इस साड़ी पे मैंने कल एक रील्स बनाई थी, तो बहुत सुंदर है, वाओ अच्छी है ना।
तो ये हो गई मेरी सेकेंड फर्स्ट सेकेंड थर्ड, हाँ थर्ड साड़ी है ये, और फोर्थ साड़ी मेरी ये है। और लोगों के थैले बड़े अच्छे अच्छे हैं, अच्छे से कैरी कर सकते हैं, इसमें कोई सामान रख के, मेकअप वगैरह का सामान रख के ना कहीं लेके आ जा भी सकते हैं। ये साड़ी येलो, येलो मेरे पास दो हैं, और ये भी सेम साड़ी है, सेम नहीं है, हाँ थोड़ा थोड़ा डिजाइन चेंज है साड़ी, मतलब चार साड़ी मेरे ऐसी हैं, बाकी तीन साड़ी मेरी अलग है, हल्की हल्की सी, ये हल्के रेंज की, ये मैं बस रील्स के लिए ली हूँ, ज्यादातर मुझे रील्स बनाना होता है तो मैं रील्स के लिए ली हूँ ये साड़ी येलो वाली। साड़ी मेरी ये रही जो ग्रीन कलर की है और बहुत ज्यादा सुंदर है, वाओ इसे तो मैं ली हूँ, मेरा एक त्योहार आ रहा है तो उसपे मैं पहनूंगी, त्योहार पे जो मैं व्रत रहूंगी, तो ये है मेरी फाइव साड़ी। आप लोग कमेंट में जरूर बता दीजिएगा कि कौन सी साड़ी ज्यादातर अच्छी लगी, सबसे ज्यादा अच्छी लगी, प्लीज जरूर बताना। और ये है मेरी सिक्स साड़ी जो मेरी फेवरेट, इन सब साड़ियों में से मेरी फेवरेट। और ये इसका ब्लाउज, वाह कितना सुंदर है इसका ब्लाउज, अच्छा ना ब्लाउज, बहुत ज्यादा सुंदर है, बहुत ही सुंदर, इसमें इस कपड़े का जो ब्लाउज है ज्यादा ट्रेंड में चल रहा है, तो मेरे भी पास आ गया ये ब्लाउज, इसकी साड़ी साड़ी बहुत 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 ज्यादा सुंदर है, ये इसका आंचल, और सेम साड़ी ऐसी है, सब पूरी साड़ी ऐसी है, इसमें कोई डिजाइन नहीं है। सुंदर ये साड़ी, सबसे इन साड़ी सात साड़ी में से मुझे सबसे अच्छी साड़ी ये है, मेरी सबसे फेवरेट। और ये है मेरा लास्ट एंड सेवन साड़ी जो है रेड कलर में, और मैंने छठ पूजा वाले दिन शाम के टाइम में मैंने यही पहना था। हाँ मुझे दो साड़ी छठ पूजा के लिए मिली थी, जैसे मैं मायके में मम्मी के पास जाती हूँ तो साल में एक बार ही जाती हूँ छठ पूजा में, तो मुझे दो साड़ी मिले हैं छठ पूजा के, दो साड़ी मिले मुझे रक्षाबंधन वाले, मैं जाती नहीं हूँ तो फिर भी मुझे मेरा मिल जाता है तो दो साड़ी रक्षाबंधन के हो गए और करवा चौथ के दो साड़ी हो गए, और हाँ ब्लैक वाली साड़ी मैंने एक्स्ट्रा ली है, मतलब मिला है मुझे, मुझे मैं बोली थी कि मुझे ब्लैक कलर पसंद है, तो मेरी जो छोटी वाली सिस्टर है वो लेके आ गई थी कि दीदी बहुत अच्छा लग रहा है ये वाली साड़ी तो ले लो, मैंने ठीक है। तो ये है इसका ब्लाउज जो मेरी दीदी ने बनाई थी, ये ब्लाउज साड़ी, ये रेड कलर की है, इसका बॉर्डर कितना प्यारा लग रहा है, बहुत ही सुंदर है ये, इतना चौड़ा चौड़ा सा बॉर्डर होता है ना जो साड़ी, बनारसी बनारसी साड़ी बोलते हैं ना ऐसी, ये पता नहीं बनारसी है भी नहीं, और साड़ी को कपड़े का मुझे बिल्कुल भी नहीं पता है कि हाँ कौन सी साड़ी कौन सी कपड़े की है, तो इसके लिए सॉरी, ये बनारसी जैसा है, मुझे नहीं पता बनारसी है कि नहीं है, लेकिन पहनने पर बनारसी जैसा ही लगता है। तो ये साड़ी तो मैंने पहन चुकी हूँ, और इस साड़ी का मैंने वीडियो अपलोड कर मतलब कर रखी हूँ छठ पूजा वाले में, मैंने ये साड़ी पहना, तो मैंने मतलब ये साड़ी मैं दिखा चुकी, इसको तो खोलने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये है मेरी लास्ट साड़ी जो कि हो गई, और आप लोग से मुझे थोड़ी सी बात, हाँ प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दो यार, जल्दी 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 से मेरे भी चैनल को 4000 तक पहुंचा दो, बस 4000 तक, उससे ज्यादा नहीं, उससे ज्यादा बस, लेकिन 4000 तक, 4-5000 तक हो जाए वो बहुत बढ़िया है मेरे लिए, उससे ज्यादा मुझे नहीं चाहिए, तो प्लीज
कर दो, सब्सक्राइब कर दो। तो ये हो गया मेरी साड़ी। और हाँ, मेरी ये इयररिंग कैसी लग रही है, ये बाजती भी है। जन 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 जन। और आरव के, आरव के डैडी के कपड़े वपड़े मैं नहीं दिखा सकती, तो चलो अभी मैं इन सब साड़ियों को समेटूं। और हाँ, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आप लोगों की इसमें से सबसे सुंदर साड़ी कौन है, ये वाली जरूर बता देना कि हाँ अच्छी लग रही है, ये वाली और ब्लू वाली सारी अच्छी लग रही है। लेकिन सबसे ज्यादा फेवरेट मेरी इसमें ये हुई है, मतलब इन सब साड़ियों में फेवरेट है। वैसे तो मेरा ब्लैक, रेड, येलो यही सब फेवरेट है कलर। तो चलो मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में तब। और हाँ, प्लीज चैनल, मतलब वीडियो देख रहे हो तो एक लाइक जरूर कर देना, चैनल पर नए आके देख रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, और हाँ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना ताकि कोई वीडियो डाले तो आप लोग देख सको, नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, आई लव यू टू ऑल, बाय।